जय माता जी, जय सोनल माँ, जय मोगल माँ एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और व्यस्त हो गए, और हम भी बिल्कुल बढ़िया है। और फ्रेंड्स, 26 तारीख है यानी कि सोमवार है और आज है दीपावली का पर्व। तो मेरे व मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए और बहुत ही आप प्रगति करें, ऐसी मेरे व मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको दीपावली की बधाई है। तो आज के दिन मैं आपके साथ दो लाइनें शेयर करना चाहूँगा कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और भगवान श्री राम को अहंकार का ज्ञान था, इसलिए जीत उन्हीं की होती है जिन्हें अहंकार का ज्ञान होता है। इसलिए आपके अंदर भी थोड़ा अहंकार है तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही दिवाली के पर्व की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और दिवाली के पर्व में हमारी खुशियां बढ़ाने के लिए हमारे घर पे एक गेस्ट आए हुए हैं। वैसे गेस्ट तो नहीं कह सकते, घर का ही लड़का है, मतलब मेरे चाचा का लड़का है, वो राजूला से आया हुआ है। तो चलिए आपसे मिलवाता हूँ। नमस्ते गाइस, मैं पुष्पनंदन भाई का चाचा का लड़का हूँ। मैं राजूला में भी रहता हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। यहाँ पर दीपावली मनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि दीपावली में हम लोग ज़्यादातर अपने कुल देवी माँ का आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। यह मेरा वतन है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वेरी गुड। तो ये नीरव है, अभी वो SSC में पढ़ रहा है और जल्द ही उसकी एग्जाम होने वाली है मार्च में। और अभी पापा की अपडेट लेते हैं। पापा, जय माता जी। जय माता जी। आज दिवाली नो शुभ अवसर से एटले आखा सौराष्ट्र ने गुजरात में अने देश में आ दिवाली नो माहौल छवायेलो से। आप जो सो प्रसारण ने मीडिया में ए रीते अने कहेवत है कि हालरनी होली अने देहनी दिवाली। आ देश विस्तार एटले के तळ काठियावाड़ सौराष्ट्र प्रदेश एवो प्रांत है ज्या वसवाट करता बाहरना माणसो पोताना वतन में अने पोताना मात पिता ने अने वडीलो ने नमन करवा माटे मळवा माटे अहीं जो छेट बॉम्बे थी लई अने सौराष्ट्र सुधी आवे छे, सूरत, नवसारी, वापी, वलसाड, ज्यां ज्यां धंधा करता होय त्यां काठियावाड़ी बधाए पोताना वतन में वेकेशन में अने अत्यारे पण आवता होय छे। आप जाणो छो कि दीपावली ई सौराष्ट्रनो मुख्य धबकतो तहेवार छे। तो पप्पा ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया, और नीरव जो भी आया है वो बड़े पापा और बड़े मम्मी के आशीर्वाद लेने के लिए आया है अभी। और अभी हम मेरे छोटे भाई यानी कि ज्योतिदान भाई की अपडेट लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? तैयारी होते हैं, कभी आप इसे पूछो कुछ भी, तैयारी रहने का। आज दीपावली का पर्व है और वैसे मेरा छोटा भाई आया है राजूला से, तो मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं कल गया था, हमारे पास में बगुसरा गांव है, तो इतनी मतलब भीड़ थी कि पैर तक रखने की जगह नहीं थी। तो सूरत से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं दीपावली में, क्योंकि क्या है कि उसका वतन यहाँ होता है, सौराष्ट्र में ही हमारे सूरत में गए हुए हैं वो लोग यहाँ आते हैं। बहुत भाई, सूरत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और हम बगुसरा हमारे गाँव के पास से हम गए थे वहाँ पे, तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। पटाखे हम ले आए हैं नीरव के लिए, क्योंकि बच्चे फोड़ते, हम तो ज़्यादा नहीं फोड़ेंगे, लेकिन हम आनंद उठाएंगे और सबके दिलों में दीप प्रज्वलित होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भैया अभी रंगोली बना रहे हैं। वैसे हम सुबह ही रंगोली बना डालते हैं, लेकिन थोड़ी देर हो गई थी इसलिए अभी बना रहे थे, क्योंकि कोई गेस्ट आया हुआ था हमारे यहाँ तो थोड़ा लेट हो गया था। क्या बना रहे हो आप? रंगोली। रंगोली पण क्या बना रहे हो रंगोली में, वो तो बताओ। रंगोली में क्या होता है? कौन सी वाली रंगोली? मतलब रंगोली में भी कोई आता है क्या? नहीं नहीं, कौन सी वाली रंगोली? आपको रंगोली आती है? मुझे जरा भी रंगोली नहीं आती है। तो आप अपना मार्गदर्शन तो दे सकते हो ना? मैं सारी चीजें हम बने में यहाँ बैठा हूँ। ये देखिए कुछ बना रहे हैं सांप जैसा।
ये ना कुंडा बना दिया ऐसा लग रहा है। बहुत ही छोटी है, इस साल हम बड़ी रंगोली नहीं बना रहे हैं, छोटी सी बना रहे हैं। ठीक है, छोटी सी पर अच्छी सी बनाना। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस व्लॉग में। अभी यहाँ पापा भी कुछ बना रहे हैं तोरण। पापा क्या बना रहे हो आप? दिवाली ना दिवसों में तोरण आसोपालो नु बनावु जोई, एटला माटे अमे तोरण बनावी रिया छे। जे दरवाजे लगाड़ी आम का भी तोरण होता है और आसोपालो का भी तोरण बनाते हैं हम। आम का तो नहीं बनाते हम, आसोपालो का तोरण बनाते हैं। तो तीन चार तोरण बनाते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं और दूसरा वहाँ पे। तो भी चल रहा है दिवाली का, दिवाली तक काम ही काम रहता है, ऐसा लगता है कि काम ही काम है। लगभग हम सात आठ दिन से लगे हुए हैं। आठ दिनों से एक दरवा काम करी थी ना, ठाकिन टे थी जाए। દર વર્ષે હર્ષોલ્લાસ થી આનંદ થી અમે દિવાળી મનાવીએ છીએ, હસતા ખેલતા, અને આવા તોરણ છે, સુશોભિત સિરીજ છે, પછી ખાવાની વાનગી અમુક બનાવી અને અમે ખાતા હોય, દરેક ખાતા હોય છે જે દેખીએ કે ઇતના સારે પત્તે હે પાસો પાલો કે જો ભી નિરવદાનજી ભી લગે હુએ હે જોરો શોરો સે કેસા લગ રહા હે આપકો બહુ મજા આવે છે થાકી ગયા તો પપ્પાને તો મજા આતા હે એસા કામ કરને મે દિવાળી મે બડો કી હેલ્પ કરને અભી ફટાકે તો ફોડને કા ટાઈમ હી નહીં હે એસા લગ રહા હે ફટાકે તો રાત કો ફોડેંગે રાત કો અભી તો થોડા જબ હો જાયેગા અભી તો થોડા દિન હે રાત કો સબ અંધેરા અંધેરા હો જાયેગા તબ વો મજા ફટાકે તો ફોડેંગે તભી અસલી મજા હે ફટાકે ફોડને હા મજા સબકે સાથ આતા હે અસલી મજા સબકે સાથ असली मजा तो सबके साथ आता है। नीरव तुम्हें राजूला बनाओ। ये राजूला से आए खुशी ने आवड़े हाँ। तारी बेन ने खुशी से ने आवड़े हाँ। खुशी तो बहुत सरस बनावे रंगोली रंगोली आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ और यहाँ पर भैया ने ज़्यादातर रंगोली बना ली है, सिर्फ कलर पूरना ही बाकी है, तो अभी देखते हैं। तो फाइनली हमारी छोटी सी रंगोली तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स, अभी कलर पूरना बाकी है, तो अभी हम कलर पूरेंगे। सबसे पहले ये रेड वाला कलर है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, हमें कलर करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, आपको सीखना हो तो आ जाइएगा। ठीक है, तो फाइनली बन चुके हैं ये रंगोली, बहुत छोटी सी, नन्नी सी, प्यारी सी अच्छी सी, बहुत ही भोली सी रंगोली बन चुकी है। और ये क्या बनाया है उसका आप भैया से ही वर्णन सुनिएगा। ये चारों ओर दिए हैं और ये सब क्या है वो हमें भी पता नहीं है, फिर भी हमने बना डाला है। ठीक है, तो अभी बन चुकी है फाइनली, जो है सो है, अभी वो बन चुकी है, तो अभी क्या करें सो देख लीजिएगा। ये सी रंगोली हम बनाते हैं, पहले अच्छी बनाते थे लेकिन अब नहीं बनाते हैं। अभी थोड़ी आलस आती है तो अभी हम नहीं बनाते हैं। अभी क्या है कि दिवाली एकदम स्पीड से आ गई मेट्रो के तरह, तो हमने नहीं बनाई थी इसलिए अभी थोड़ा वो जो लिपण करते हैं ना वो गारे का, वो अभी गोबर नहीं मिलता है, गोबर भी नहीं मिलता है दिवाली के टाइम पे, बहुत मेहनत के बाद गोबर मिला, गोबर चोरी हो जाता है, ऐसा होता है हमारे गांव में। गोबर मिलने के बाद मम्मी ने यहाँ पे लिपण किया, लिपण के पर हमने टपका किए और टपके पे हमने रंगोली बना दी। और ये अभी गीला है, ये सूखा भी नहीं है। हाँ अभी सूखा भी नहीं है क्योंकि धूप
आज ही कम थी। हमारे गांव में गोबर चोर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो दिवाली के टाइम गोबर हमें मिलता नहीं है, चारों ओर हम ढूंढते रहते हैं। तो गोबर मत चोरी कीजिएगा, ठीक है? अगर आप ये लोग देख रहे हैं तो गोबर की चोरी मत कीजिएगा और हर घर पे गोबर मिले ऐसी व्यवस्था कीजिएगा, ठीक है? घर घर गोबर योजना। आपको क्या लगता है गोबर चोरी के बारे में? मुझे लगता है कि सरकार को एक योजना बनानी चाहिए घर घर गोबर हर घर गोबर योजना, ऐसे कुछ योजना बता रहे हैं? मैं सरकार को एक योजना बनानी चाहिए घर घर गोबर योजना, यहाँ जिसमें सभी लोगों को दिवाली के पर्व पर गोबर मिलेगा। अभी लक्ष्मी जी आए नहीं है, उसके भी पैर हम बनाते हैं। लक्ष्मी जी क्या है कि अभी सावरकुंडला रुके हुए हैं, हाँ। वो कुछ महीने में यहाँ पे आ जाएंगे युगराज को लेके। हाँ, मेरा भतीजा भी आ जाएगा, फिर वो रंगोली नहीं देगा। फिर रंगोली नहीं बन पाएगी, इसलिए अभी से एडवांस में बना डाली है हमने, ठीक है? क्या है कि वो छोटा सा है ना, तो रंगोली बिगड़ देगा, हमें पूरा विश्वास है कि वो रंगोली नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये है, ठीक है? तोरण लग चुका है और अभी पापा ने पूरा लगा दिया है। तो चल भक्ति भाव करी अने तोरण लगाडू, ये हमारो नित्य दर वर्ष नो कर्म से, ई पण कर्म प्रमाणे में देवी भक्तो है चारण से, એટલે અમારે માના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, માના આશીર્વાદ લઈ અને ધન્યતા અનુભવી છે જય માતાજી। અભી માતાજી પે તોરણ લગા દિયા હે ઓર અભી પાપા યહાં द्वार पे लगा रहे हैं तोरण, ये देखिए। और अभी शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा उजाला है, और अभी दिवाली का जो मेन कार्यक्रम होता है वो अभी स्टार्ट होगा। भैया रंगोली में कलरफुल रहे हैं, और रंगोली भी एकदम बन के रेडी हो गई है, थोड़ी थोड़ी बस अभी थोड़ी बाकी है, थोड़ा सा कलर बाकी है, तीन जगह पे, चार जगह पे रंगोली अच्छी बनाई है, ऐसे लग तो रहा है। स्टार्ट किया तो पता नहीं चल रहा था कि ये क्या बना रहे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि क्या बन के रेडी लग रही है रंगोली। हाँ, तोरण लगाना है सामने लगवाने का है, और सामने और बाहर की तरह तीनों जगह पे लगवाने का है। तो ये देखिए, मैं आपको एकदम रेडी हो गई है रंगोली। तो अभी दिया यहाँ लगाने जा रहे हैं, अभी दिया लग चुका है तुलसी माँ के पास में। ये देखिए मम्मी ने दिया जलाया हुआ है, और अभी हम बाहर भी दिया लगाने जा रहे हैं। अभी मम्मी दिया लेके आ गए है, और अभी यहाँ दोनों दरवाजे पे लगाने हैं। दिए लग चुके हैं,
घर वापिस हम घर जाते हैं और देखते हैं कि रंगोली कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए उजाला ही उजाला हो गया है। तो गाइस भैया ने रंगोली बना के रेडी कर दी है, तो अभी हम देखते हैं रंगोली। वाह भैया क्या मस्त रंगोली बनाई है। तो ये है रंगोली गाइस, और ये भैया की हालत थक के थाबड़ा हो गए हैं, थक के थाबड़ा होते हुए। ये हिंदू बा तो ऐसा भी है, आप ले जाइएगा। यहाँ पर कलर है, किसी को चाहिए तो ले जा सकते हैं। और भैया पोटली बना रहे हैं। वो कलर जो बचा है ना वो अभी इकट्ठा करना पड़ेगा ना। बस ले आओ। तो फ्रेंड्स रंगोली बना के रेडी हो चुके हैं कंप्लीट। थोड़ी सी छोटी सी बनाई है, हम हर साल बहुत बड़ी रंगोली बनाते हैं मोगल माता जी की, लेकिन इस साल छोटी बनाई है। और पापा अभी क्या कर रहे हैं, पापा अभी तोरण बना रहे हैं। तोरण बना के अभी दरवाजे पे लगा दिया है आसोपालों का। और मम्मी क्या है आज खाने में, ऊंधिया बनाने का प्रोग्राम है। હજી બનાવવાનું છે? હા બનાવવાનું, કાલે બનાવવાનું હોય ને, બેસતા વરસ કાલ બનાવવાનું છે। ઓકે તો નીરવ તોરણ હાથ મેં લે કે અભી ખડે હે, ચાર પાંચ નીરવ હો જાય ઇતના બડા તોરણ હે। ચલો ચલતે હૈ, અભી ઓ બહાર જા રહે હે તોરણ લગવાને કે લિયે। રસોડા મેં નહીં લગાના હે। ઓર જ્યોતિદાન જી, યસ બોલો, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। आज दिवाली है, कुछ लग रहा है दिवाली जैसा? दिवाली जैसा तो लग रहा है, वैसे सूरत वाले आए हैं तो उसकी वजह से दिवाली बहुत ही अच्छी हो रही है। और अभी नीरव और पापा यहाँ पे तोरण लग रहे हैं, लगवा रहे हैं। नीलम भाई, मम्मी ने यहाँ पे टॉर्च पकड़ी हुई है। ये देखो नीरव ये क्या कर रहे हो नीरव? और ये है हमारी रंगोली छोटी सी। क्या है कि हम बहुत बिजी रहते हैं तो हमने छोटी सी रंगोली बनाई है, ठीक है, वरना हम बहुत बड़ी बनाते। और अगले साल हम कोशिश करेंगे कि रंगोली बहुत बड़ी बने, ठीक है। अभी मम्मी तो बैंगन की और बटेका की सब्जी बना रहे हैं, ऊंधिया कल बनेगा, है ना मम्मी? तो आज तो ऐसे ही खाना पड़ेगा नीलम भाई। क्या करें, खा लेंगे खा लेंगे। अरे मेहमान की कुछ मेहमान गति तो करनी चाहिए ना। ये बात सही है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। और ज्योति भाई मेहमान नहीं है, इसलिए उसकी मेहमान गति कुछ नहीं करनी है। चलेगा रिंगना बट्टे का, क्या करे, चला लेंगे चला लेंगे, और क्या कर सकते, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। गुलाब जामुन से, हाथा से, घुघरा से, गुलाब जामुन से, रसगुल्ला लेके आए है, सुखड़ी से, रसगुल्ले पीड़ा, रसगुल्ला से, चूरा थी, पूरा थे क्या खाई क्यों? ओ मेहमान ने तो आते ही रसगुल्ले पे मतलब वो दूसरा बॉक्स पड़ा है रसगुल्ला का। अच्छा एक तो आप अपने पेट में चला गया। और गुलाब जामुन अभी चखने की बारी है, अभी चखा नहीं है तो अभी बाद में अभी हम पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है। मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना है। कौन सा? वीडियो में बाद में देख लीजिए। अच्छा तो वीडियो एंड तक देखिए। तो भाई लोग नीरव अभी एक्सपेरिमेंट कुछ करने वाला है, वो जो पटाखा है ना वो ग्लास में फोड़ने वाला है, तो लास्ट तक लोग में बने रहिए। फूल जड़ी जलाते हुए भाई नीरव भी शूट कर रहा है।
ये खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है। बस हो गया इतू सा था, अभी रह गया नीरव हो गया खत्म। टाटा बाय बाय। अभी ना एक अलग ही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये जो अलग तरीके का पटाखा है वो पानी में भी फूटता है। आपने कभी देखा है कोई पटाखा जो पानी में फूटे? अभी नीरव क्या बोलते हैं इस पटाखे को? इस पटाखे का नाम है बीड़ी बम। देख ली बीड़ी बम। अच्छा ये देखिए पानी में धुआं निकल रहा है। पानी में फूटे मम्मी, पानी में फटाकड़ा फूटे। अभी ये नीरव है ना वो कुछ अलग ही करतब करने वाला है। ये स्टील का ग्लास है, दिखाओ ग्लास। ये ग्लास है, ग्लास के अंदर दो बम। ओरिजिनल स्टील है, ओरिजिनल क्वालिटी। और उसके अंदर दो पटाखे रख दिए हैं। अभी उसके अंदर फोड़ेगा। भाई कुछ सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग देते हुए। ये देखिए स्टील में ग्लास में बॉम है। ग्लास उधर चला गया, पीछे चला गया ग्लास। बाकी से ग्लास कहाँ गया नीरव? ग्लास कहाँ गया? उस तरफ। तो ये देखिए ग्लास की हालत। ये ग्लास है, अंदर पटाखा था, आधा टूट गया है। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।